हेलो एंजॉयमी, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चों के सारे के सारे। सो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपना सेफ्टी अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड कैसे हटाएं। तो गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो निंजा जी को सब्सक्राइब, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मेरे को। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे GFX यूज करा था, तभी मेरे को एक्सट्रीम मिला, अदरवाइज रियलमी 3 प्रो में नहीं मिलता एक्सट्रीम ग्राफिक, अल्ट्रा मिलते हैं स्मूथ पे भी। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं कुछ स्टैट्स दिखा दे रहा हूँ अपने कि मैंने 2 दिन तक क्या खेला, मतलब 28, 29, 30, मतलब 3 दिन तक मैंने क्या खेला। भाई 3 दिन तक मैंने TDM ही खेला है, ठीक है, एंड उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं खेला, क्योंकि मेरे को डर था कि मैं जैसे ही क्लासिक लगाऊंगा मेरा ID दोबारा अंडर ऑब्जर्वेशन ना चले जाए, क्योंकि मेरे 4 हफ्ते तक यही होता था जब भी मैं कोई TDM खेलता था या उसके बाद कुछ जाता था क्लासिक में या आर्केड मोड में, तो गाइस मेरा जैसे ही मर के आता था वापस तो मेरा लग जाता था, ठीक है, मतलब L लग जाते थे मेरे प्लेयर के और मेरी ID के, फिर से अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड में चला जाता। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक मैच खेल के दिखाऊंगा क्लासिक में, और उसके बाद दिखाऊंगा रिजल्ट क्या आता है, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा एंड में। तो गाइस वीडियो स्किप मत करना, बीच में भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया, मतलब 4 या 5 गुना पे कर दिया। अगर आपको स्किप करना है सीधा 2 मिनट तक स्किप कर लो, 2 मिनट से स्टार्ट कर लो, 2.4 सेकंड पे कुछ चले जाओ, ठीक। अब गाइस जैसे ही मैं मरता हूँ वैसे ही यहाँ पे आ जाता हूँ, मतलब बहुत टट्टी नाइट चल रहा था, पीछे आगे पीछे हो जा रहा था मेरा प्लेयर, डीसिंग हो रहा था वो। यहाँ पे जैसे ही मैं गेम के बाहर आता हूँ मेरा लग जाता है दोबारा अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड। अगर आपका भी यही होता है ना तो गाइस वीडियो पूरा देखना, मैं बताऊंगा भाई कसम से आपके टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा भाई, कम से कम 4 मिनट की वीडियो तो पूरा देख लेना यार, वरना नहीं हो पाएगा। मैंने भी बहुत यूट्यूब पर सर्च करा, इधर से उधर गया पढ़ाऊँ। ये गाइस मेरा सेकेंड अकाउंट है, इसके अंदर मैंने GFX नहीं लगाया, 90 FPS आ रहे हैं, मतलब मॉड्यूल लगा के शो ऑफ के लिए 90 FPS है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो मैंने कितना गैप है, मतलब 7-7, 8-8 दिन का गैप है। वो गैप इसलिए है क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड का टाइम है। ये मेरी एक फ्रेंड की आईडी है, मैंने उसकी ली आईडी एंड उसकी आईडी भी मैंने बर्बाद ही कर दी, ये समझ लो। अब मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा दोनों आईडी में कैसे आप हटा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं आपको मैच खेल के दिखाऊंगा, यहाँ पे देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मैं भाई 7 दिन तक 8 दिन तक कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो गाइज आपको स्किप करनी है वीडियो, मैं बता दे रहा हूँ आपको कब तक स्किप करना है। आप ये वीडियो 3 मिनट पे स्किप कर दो, 3 मतलब 3.5 मिनट तक स्किप कर दो, मैं क्योंकि इसमें भी गेम प्ले दिखाऊंगा। अभी गाइज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन सा ग्राफिक, कौन सी सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ। गाइज बिना GFX के यूज़ कर रहा हूँ, ये देख लो स्मूथ पे एक्सट्रीम आ रहा है, 90 FPS का भी शो हो रहा है, क्योंकि मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, OnePlus 7 Pro का मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी यूज़ करना है जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, चैलेंज ही पड़ी है, 3-4 वीडियो होगी अभी के लास्ट में ही। अब देखो गाइज यहाँ पे मैं मैच स्टार्ट कर देता हूँ सिंपल सा। गाइज अगर आपको स्किप करना है तो 3:56 तक स्किप कर दो, ठीक है, 3:56 या 3:44 तक स्किप कर दो, क्योंकि मैं भी वॉइस ओवर नहीं देने वाला आगे तक। पहला भी मैच खत्म हो गया, आप प्लेयर देख सकते हो पीछे प्लेयर कौन से थे स्टार्टिंग में एंड में कौन से थे, ठीक है गाइस आप वो भी देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि मैंने मैच खेला है पूरा। एंड गाइस जैसे ही मैच के बाहर आता हूँ तो गाइस बूम यहाँ पे हमको नहीं लगा, और मैं भाई मैंने पीछे वो भी दिखाया है कि मेरा अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड लगा था, अगर नहीं दिखाया तो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड रहा था मेरी आईडी याली भी। अब देखो गाइज बात आती है सोल्यूशन की, इसको फिक्स कैसे करूँ। तो गाइज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ, क्योंकि भाई उनसे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, आड़ी टेढ़ी वीडियो है, कुछ भी बोलते हैं वो छोड़े। अब गाइज इन 3 बातों को फॉलो करना, बहुत ईजी टिप्स है, ठीक है गाइज। जैसे ही आपका पीरियड में जाती है, अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड में जाती है आईडी, तो गाइज आपको करना है क्या है भाई, मैचिंग में करना, जितनी ज़्यादा मैचिंग हो सके करना है, ठीक है। 8 मिनट के बाद खुद ही बोल देगा कंटिन्यू, तो कर लेना 3-4 बार करना है एक दिन में, ठीक है। मैचिंग ना हो तो कोई बात नहीं है। अब देखो दूसरी बात ये है, जैसे ही आपका अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड हटता है
तो भाई क्लासिक और आर्केड मोड इग्नोर करना, कोई और से मोड इग्नोर करना, सारे के सारे बस एक टीडीएम खेलना है, ट्रेनिंग मोड जो भी वेयर हाउस टीडीएम है वो सारे खेल लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज आपको, ठीक है। वो आपको खेलने 4 दिन 3 दिन जितना आप खेल सको उतना खेलो, क्योंकि उसके दौरान आपकी वो आईडी देखेंगे कि भाई कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करना है या कोई जीएफएक्स यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है गाइज। अब गाइज तीसरी बात आती है कि भाई आपको जीएफएक्स यूज़ नहीं करना, जो मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है, आपको जीएफएक्स यूज़ करोगे आपकी आईडी दोबारा जाएगी, तुरंत जाएगी अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है गाइज। तो गाइज जीएफएक्स को अवॉइड करना बिल्कुल भी, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया, तो गाइज बस इतना ही है। अब देखो गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो आप, और हाँ गाइज जैसी ये वीडियो ख़त्म होती है, एंड गाइज अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आके जरूर जाना चैनल पे एंड कमेंट करके जरूर जाना कि कभी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाते तो गाइज़ 3-4 दिन बाद आओ और कमेंट करके जाना कि भाई मेरा ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है गाइज। इसके अगर ठीक नहीं होता तो मैं और भी तरीके देखता हूँ, क्योंकि मेरी आईडी बची पड़ी है, उसको बिना जीएफएक्स के खोलूंगा, अगर वो खुलती है तो सही है, मैं अपडेट कर दूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर। और गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, 1500 सब्सक्राइबर और चाहिए 10K में, तो गाइस कर दो, ठीक है। बाय बाय, मिलता है आपको अगली वीडियो में।